हेलो डेशन, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो बहुत ध्यान से फोकस कर रहे हैं। आज का टॉपिक क्या है, हम लोग 5 कंटेंट कर चुके हैं। इशू ऑफ डिबेंचर चला हुआ है। इशू ऑफ डिबेंचर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 3 के नंबर। अगर इशू ऑफ शेयर चैप्टर आता है तो कंडीशन अप्लाई हुई। 5 कंटेंट हो चुके हैं, कंटेंट नंबर 6 करेंगे। जो बच्चे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, तो वो समझ चुके हैं कि कंटेंट नंबर 6 पे आ चुके हैं। कंटेंट नंबर 6 क्या है, जब कोई भी कंपनी डेवेंचर इशू करती है, इशू ऑफ डेवेंचर। तो आपने शेयर्स में भी ये बात पढ़ी थी कि जब शेयर्स इशू करते हैं तो 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला, या तो एट पार पे, किस पे कर सकते हैं, एट पार पे, या दूसरा, ठीक है ना, एट प्रीमियम पे, ठीक है ना, एट प्रीमियम पे, और तीसरा एट डिस्काउंट पे, ठीक है ना, एट डिस्काउंट पे। तो ये बातें हमने वहां पे भी पढ़ी थी। चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि भाई कई बच्चे सोचेंगे सर डेवेंचर, तो डेवेंचर में भी वही बातें हैं भाई सारी जो शेयर्स में है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत ऐसा कुछ भी अलग नहीं है इसके अंदर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एट पार का केस, कि अगर कोई भी कंपनी डेवेंचर इशू करती है एट पार, तो यहाँ पे एट पार का मतलब क्या होता है, when a company issue, ये एन है, कभी आप सोचो, when a company issue डेवेंचर एट ए प्राइस, ठीक है, इक्वल टू, एट ए प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ डेवेंचर, फेस वैल्यू क्या हो रहा भाई, बार बार, फेस वैल्यू ऑफ डेवेंचर, ठीक है। अब देखो क्या लिख रखा है इसमें, कि जो कंपनी इशू कर रही है फेस वैल्यू, मैंने फेस वैल्यू पहले बताया था आपको क्या होता है, ठीक है ना, सेम बात मैंने शेयर्स में लिखी थी, ठीक है ना। एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल ले लेते, मान लेते एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड कंपनी। अब इस कंपनी ने 10,000 डेबेंचर्स, डेबेंचर का रेट मान लेते 12%, ठीक है, 10,000 डेबेंचर्स, 12% डेबेंचर, ये तो इंटरेस्ट का रेट है ना, याद रहेगा ना, एट द रेट ऑफ 100 ईच। ये 100 ईच क्या होता है, ठीक है ना, इसी को तो फेस वैल्यू बोलते हैं, है ना। अब कंपनी ने क्या किया, 100 रुपए का डेबेंचर था, कंपनी ने इशू कितने में किया, 100 रुपए में, इसे बोलते हैं फेस वैल्यू, कि जो प्राइस है जिसमें इशू किया है वो फेस वैल्यू के इक्वल है। 100 रुपए का डेबेंचर था, फेस वैल्यू, और इशू भी कितने में किया है, 100 रुपए में, प्राइस भी क्या रखा है, 100 रुपए, उसे बोलते हैं एट पार। अब आ जाते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, एट प्रीमियम क्या होता है, ठीक है ना, बिल्कुल सेम बात है। वेन ए कंपनी इशू डेबेंचर एट ए प्राइस, यहां इक्वल टू फेस वैल्यू लिखा है, यहां पे मोर देन फेस वैल्यू, प्राइस क्या होगा, मोर देन फेस वैल्यू, जो भी उसकी फेस वैल्यू है। यहां पे फेस वैल्यू देखो कितना था, 100 ईच था ना ये, तो 100 रुपए का डेबेंचर कंपनी ने मान लेते हैं 120 रुपए में इशू किया, तो जो ये 20 रुपए है, ज्यादा हो गया ना फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू कितना था 100, तो ये 20 रुपए, इसी को हम प्रीमियम बोलेंगे। इसके लिए मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट खोलते हैं हम लोग, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट खोलते हैं और उसको हम क्रेडिट करते हैं, और बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, सब वही चीज है, ठीक है ना। थर्ड चीज डिस्काउंट, ये पॉइंट थोड़ा सा सीखने लायक है आपके लिए सर, क्यों, क्योंकि जब हमने शेयर्स पे बात की थी कि अगर कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है डिस्काउंट पे, तो मैंने समझाया जरूर था कि डिस्काउंट क्या होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपनी को अब अधिकार नहीं है, उसको मना कर रखा है कि कोई भी कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती डिस्काउंट पे, ठीक है ना, लेकिन डेवेंचर कर सकती है, ठीक है ना। तो डेवेंचर डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब होता है, या मोर देन की जगह पे क्या देगा, लेस, ठीक है ना, लेस देन फेस वैल्यू, लेस देन फेस वैल्यू, लेस देन का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, कि भाई 100 रुपए, 100 ईच, ठीक है ना, 100 रुपए फेस वैल्यू है, ठीक है ना, इससे कम में कंपनी ने, मान लेते हैं 90 रुपीज में, इससे कम में जब कंपनी इशू करती है, तो ये जो 10 रुपीज होगा ये क्या होगा, डिस्काउंट होगा। इसके लिए कंपनी एक अकाउंट खोलती है जिसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, या डिस्काउंट ऑन, पूरा लिखो तो इशू ऑफ डिबेंचर लिख सकते हो, डिस्काउंट ऑन
इशू ऑफ डिबेंचर या डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट खोल लो, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट खोल सकते हैं आप इसके लिए, और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट क्या होता है, एक तरीके का नुकसान ही है भाई, तो डेबिट करेंगे बेटा। फिर ये प्रीमियम है, फायदा है, एक तरीके कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल लॉस है ना, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे एंट्री बनाते टाइम। आई होप क्लियर होगा कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बेसिक है बिल्कुल। ये बातें हमने शेयर वाले में भी पढ़ी थी, कुछ नया नहीं था, लेकिन फिर भी बताना जरूरी था, बिकॉज इट इज ए न्यू चैप्टर फॉर यू अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है ना। इट इज वेरी मच सिमिलर टू शेयर चैप्टर, ठीक है ना। आई होप क्लियर होगा। शेयर वाला चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर कहूंगा एक बार जाके देख लो, क्लियर है। पार्ट वाइज वीडियो देखें ताकि पूरा बेनिफिट मिले, एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ूंगा, सारे कंसेप्ट आपको कराए जाएंगे, जो कंसेप्ट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है आपको मार्क भी कराए जाएंगे, साथ ही साथ उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए जाएंगे यहाँ पे। उसके अलावा जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जरूर करें, ठीक है ना। ये कंसेप्ट करने के बाद, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के बाद आप कुछ भी क्वेश्चन करोगे वो सारे आपसे बन जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलिए बाय। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाय।